इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में विश्व कप का मुकाबला खेला जा रहा है। आपको बता दें कि इस फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की निराशाजनक गेंदबाजी देखने को मिली। भारतीय बल्लेबाजों से जैसी उम्मीद थी उतने रन्स तो टीम इंडिया स्कोर नहीं कर पाई, लेकिन ठीक है, सम्मानजनक स्कोर तक भारतीय टीम पहुंची, 240 रन बनाए और गेंदबाजों ने भी शुरुआती झटके हासिल करते हुए इस मुकाबले को भारत के लिए दिलचस्प बना दिया। लेकिन इस मुकाबले में जब पैट कमिंस ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला किया था तो सभी ने उनके ऊपर उंगली उठाई थी और कहा था कि विश्व कप के फाइनल मुकाबले में कैसे एक कप्तान ने गेंदबाजी का फैसला ले लिया जबकि उनके पास बैटिंग का भी अच्छा सुनहरा मौका था। लेकिन अंत में पैट कमिंस का ये फैसला अच्छा साबित हुआ, इंडिया टीम 240 पर ही ढेर हो गई, भारत के दिग्गज आज इस मुकाबले में फ्लॉप साबित हुए। आखिर ऐसा क्या कहा पैट कमिंस ने, क्या रीजन था कि उन्हें गेंदबाजी चुननी पड़ी, इसका जवाब खुद पैट कमिंस ने दिया। आपको बता दें कि टॉस के दौरान उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनने की वजह बताई और वो वजह क्या है चलिए जानते हैं। टॉस के दौरान पैट कमिंस कहते हैं कि हमें पहले गेंदबाजी लेनी होगी क्योंकि विकेट सूखा लग रहा है, उस एक कारण भी है, इस पर बल्लेबाजी करना बेहतर हो जाएगा। टूर्नामेंट की कठिन शुरुआत, उसके बाद से वास्तव में कोई गलती नहीं हुई, ये सब पूरी तरह से व्यवस्थित है, हमने इन लोगों के साथ बहुत खेला है, सेमीफाइनल जैसी टीम होगी। पैट कमिंस की बातों से साफ नजर आ रहा है कि वो बहुत कुछ पढ़कर आए थे और अपने अनुभव पर उन्होंने जो ये फैसला लिया वो फैसला उन्होंने सही भी साबित कर दिया। अब देखना होगा कि इस मुकाबले में आगे क्या होता है। बहरहाल तब तक के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।